हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रेडमी मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, एसएमएस नहीं आ रहा है, तो कैसे 100% सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का या ऐप मैनेजमेंट का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो इस सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट का या मैनेज ऐप का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सभी ऐप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको सर्च बार में ऊपर क्लिक करके लिखना है मैसेज। तो जैसे लिखेंगे तो मैसेजेस यहाँ पर आ जाएगा ये ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्या करना है, नीचे आपको आना है एम पर, तो यहाँ पर मैसेजेस मिल जाएगा। इस देखिए यहाँ पर इस ऐप को खोज लेना है, फिर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन मिलेगा, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है आपके फ़ोन में, लेकिन स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज नाम से रहेगा, तो इस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्लियर कैच, फिर क्लियर डेटा और ओके कर देना है। इतना करने के बाद बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पर। और गाइस, अगर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऐप्स वाला ऑप्शन आपके फ़ोन में अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना है, ऊपर आप सर्च बार में क्लिक करके टाइप करेंगे ऐप, तो यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स नाम से मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से देखिए क्लियर डेटा कर सकते हैं सर्च करके या फिर उस तरह खोज कर। तो इतना करने के बाद मोबाइल के होम स्क्रीन पे आना है। अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है या रिबूट या रीस्टार्ट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस 100% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जब भी कोई मैसेज आएगा, कोई सेंड करेगा, तो तुरंत आपके फ़ोन पे आ जाएगा 100%, और इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज के दिन बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।